इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। नमो वज्जायानु नमो लोये सर्वशाहूर्णम्। पंच परमेष्ठि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। राजीव जैन अमरपाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम लोग जो श्रावक लोग जमीन जायदाद लेकर के उसमें पैसा लगा देते हैं, स्वर्ण रजत आदि लेकर के और भी जो अन्य वस्तुएं दलहन तिलहन आदि लेकर के स्टॉक कर लेते हैं, तो ये स्टॉक जुआ की श्रेणी में आएगा कि व्यापार की श्रेणी में आएगा? जुआ की दृष्टि में नहीं आएगा, ये व्यापार की दृष्टि में आएगा। माल का स्टॉक करना, आज स्टॉक कर लेंगे तो कल महंगा बिकेगा। आज भी पैसा है, एक प्लाट लेके डाल दिया, पैसा है सोना चांदा खरीद लिया, ये सब व्यापार है, ये व्यवस्थाएँ। राजा ऐसे ही तो कोष बढ़ाता था। राजा अपने खर्च के अलावा एक बहुत बड़ा कोष कहीं रखता था। उस कोष में जितनी संपदा उपयोग में उससे कई गुना रखता था, क्योंकि गृहस्थ के जीवन में आपातकाल को नकारा नहीं जा सकता। किस समय क्या परिस्थितियाँ आ जाएं, उन परिस्थितियों से जूझने के लिए जरूरी है। कोरोना में लॉकडाउन हुआ, यदि घर में व्यवस्था नहीं होती तो क्या करते? तुरंत एक दिन का बनाओ, एक दिन का कमाओ, एक दिन का उड़ाओ। लॉकडाउन हो गया 5 महीने का, 6 महीने का, सालों निकल गए। तो ये व्यापार नहीं है, व्यवस्थाएं। अति मूर्छा, उसको मूर्छा कहा जाता है जो है ही नहीं फिर भी अपन उसके को मूर्छा कर रहे। लेकिन एक ऐसे तो अपन को करनी चाहिए, एक साल है तो कम से कम 2 साल का इंतजाम होना चाहिए। ग्रस्त है, एक साल में इतना कमाओ, कम से कम बता रहा हूँ, कि परिस्थिति आ जाए तो 2 साल बैठ के खा सको। ये व्याप कंजूसी मत समझना, मूर्छा मत समझना, ये संसार में जीने की एक बहुत बढ़िया। एक साल इतना कमाओ कि 2 साल तक यदि कमाने का मौका नहीं मिले तो भूखा न मर सके, है ना। एक साल प्लस 2 साल यानी 3 साल का कमाना, जो भी आपके परिवार में खर्च होता है, जो भी आपकी व्यवस्था है वर्तमान में जो खर्च हो रहा है, इस खर्च को आप सीधा तुगना कर दीजिए। इतनी कमाई आपको करना ही है, करना ही चाहिए। मान लीजिए 1 साल का खर्च आपका सामान्य रूप से जितना मान रहे हैं, 1 साल का किसी का 5 लाख भी हो सकता है, किसी का 10 लाख हो सकता है, किसी का 1 लाख भी हो सकता है। 10,000 रुपये महीने में भी कई काम चलाते हैं, उनको 1 साल में 3 लाख रुपया कमाना है प्रॉफिट। जिनका 3 लाख का खर्च है उन्हें 9 लाख कमाना चाहिए, जिनका 9 लाख का खर्च है उन्हें 27 लाख रुपया कमाना चाहिए। दुगना करना है आप 3 साल का, यानी 1 साल तो ये वर्तमान की है ही, उसके अलावा 2 वर्ष तक भी यदि अकाल पड़ जाए तो भी हो। ये सामान्य ग्रस्त की बात कर रहा हूं। अब राजा की बात कही, राजा को अपने राजकोष का 12 साल का राजकोष रखना चाहिए।
एक राजा है, वो अपना राजा कितना कोष रखे, अधिकतर कितना खर्च करे, तो राजा के लिए 12 वर्ष का कहा कि एक वर्ष में वो इतना टैक्स लेवे, इतना इनकम आप सोर्स करे, युद्ध करके दूसरे राजाओं की भी संपत्ति है उसको स्टोर करे 12 वर्ष के लिए। राजा को यदि 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ जाए, 12 वर्ष तक यदि युद्ध चल जाए और इनकम आप सोर्स ना हो, तो प्रजा को दो टाइम की रोटी दे सके वह राजा कुशल राजा माने जाए। अब तुम कहोगे इतना संग्रह करना क्या ठीक है? नहीं, ये व्यवस्था है, वो राजा है, उसको 12 साल तक अकाल पड़ेगा तो जनता को दो टाइम की रोटी देना है, वह राजा है। ये जो नीतियां हैं, इन नीतियों के अंतर्गत रहना, इसको मूर्छा नहीं कहना, इसको व्यवस्था कहना, व्यापार कहना। स्नेहा जैन, इंदौर। गुरुव नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो चार कसाय हैं, तो उन चार कसायों के नेचर को हम कैसे जाने अपने ऊपर, कि मेरे जीवन में अनंत मंदिर का उदय चल रहा है कि अप्रत्याख्यान का, प्रत्याख्यान का? काल के अनुसार, परिणामों के अनुसार, उज्ज्वल को उत्साह में जीव कान में परिणाम लिखे, लेस्याओं के परिणाम कहे गए ना, स्पष्ट बताया गया। तुम्हें इतना क्रोध आ गया कि तुम सामने वाले को मिटाने को तैयार हो, और उसको मिटाते समय तुम खुद मिट जाओगे, तो तुम कहे मैं मिट जाऊं तो मिट जाऊं, इसको मिटा के रहूंगा, अनंतानंदी कसाय। अप्रत्याख्यान में व्यक्ति कहता है कि नहीं, इसको ऐसा तो दंड दूंगा मैं, चाहे भली भाव इसको मिटना पड़े तो मिटा दूंगा, अपने को बचा लेता है। प्रत्याख्यानावरणी कसाय वाला कहता है दंड तो दूंगा लेकिन मिटाऊंगा नहीं, सबक तो दूंगा इसको लेकिन इसको बर्बाद नहीं करूंगा। तो ये परिणाम जो कसायों के हैं, उन परिणामों से हम निश्चित कर सकते हैं कि हमारी कसाय कौन सी है, हमारी लेशिया कौन सी है। महाराज जी, गर्भावस्था में जो बालक को संस्कार दिए जाते हैं, तो वो गर्भावस्था के किस महीने से संस्कार, गर्भावस्था के किस महीने से संस्कार शुरू किए जाते हैं बालक को देना? गर्भावस्था में बालक को संस्कार कितने महीने के बाद दिया जाता है? देखो, हम इस प्रश्न के जवाब में तो ज़्यादा उत्तर नहीं दे पाएंगे, जब गर्भ कल्याणक आदि आते उस प्रसंगों पर मैं प्रवचन दे पाता हूँ। कुछ प्रसंगों के जवाब ऐसे हैं जो हमारे लिए देने में मर्यादा का ध्यान, संकोच का ध्यान रखना पड़ता है। आप आदि पुराण पढ़िए, महापुराण में कुछ बातें ऐसी हैं जो बोली नहीं जा सकती, पढ़ी जा सकती। पढ़ने में और बोलने में बहुत अंतर आता है, इसलिए आप कुछ पढ़ लीजिए। कुछ किताबें आरिकाओं ने लिखी हैं आपके संस्कारों के ऊपर, उन किताबों को आप पढ़िए। आप इस संबंध में आरिका माताओं से सलाह कीजिए, परामर्श कीजिए। श्रीमती बांधुरी जैन, बनगांव, दमोह, मध्य प्रदेश। गुरु नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे कि आपने एक दिन प्रवचन में कहा था कि जो जैन कुल में जन्म लेकर के जैन कुल के कुलाचार का पालन नहीं करता है, उसकी वह अंतिम पर्याय होगी। तो महाराज जी, परिवार में रहते हुए हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवार के मेंबर्स जो रहते हैं वो जैन कुल के आचरण का पालन नहीं कर पाते हैं, तो फिर महाराज जी हम लोग इसमें क्या करें? जो कहा है वही होगा। जैनी क्यों घट रहे हैं? जैनियों की संख्या क्यों घट रही है? मूल कारण उसका यही। तो कुलाचार का पालन नहीं करोगे तो वो अंत्य पर्याय है, सीधी बात। जिस पर्याय को हम सम्मान नहीं देंगे वो पर्याय खत्म हो जाएगी। जिस पर्याय के योग्य हम कार्य नहीं करेंगे वो पर्याय खत्म हो जाएगी। हर चीज में एक उपयोगिता ह्रास नियम है इकोनॉमिक्स का। जो वस्तु हमें जिस कार्य के लिए मिली है, उस वस्तु का यदि हम उपयोग नहीं करेंगे तो यह वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जाती है, वस्तु ही नष्ट हो जाती है। सिद्धांत, कोई भी वस्तु हो,
जो वस्तु जिस कार्य के लिए हमें मिली है, यदि हमने उसका उपयोग नहीं किया, धीरे धीरे वो वस्तु का मूल्यांकन, उसका स्वभाव खत्म होता जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। हमें जैन कुल मिला है, यदि हमने इस कुल का सही उपयोग नहीं किया, ख़त्म हो जाएगा। तो जो वस्तु जिस पर्पस से मिलती है, उसका उपयोग करते रहने पर वो जीवित बनी रहती है, वह हमारी ज़िंदगी में बहुत, क्योंकि हमने उसको रिस्पेक्ट किया, वो जिसके लिए थी हमने उपयोग किया। हमारा जैन कुल में जन्म क्यों हुआ, अजैनों में जन्म ले रहे थे, तो हमें कर्म ने जैन कुल में जन्म दिया। यदि हम जैन कुल का पालन करेंगे, हमें पुनः जैन कुल मिलेगा, बार बार मिलेगा, क्योंकि हमने उसको इज्जत की, उसका सम्मान किया, वो वस्तु जिसके लिए थी मैंने उसका उपयोग किया। तो सब चीज़ के लिए, धन तुम्हारे लिए किस लिए आया, उसका उपयोग करोगे धन फिर आएगा। शरीर तुम्हें किस लिए मिला, जिसका उपयोग करोगे, जिस उद्देश्य मिला शरीर फिर भी मिलेगा। जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसका सही उपयोग करो, और उपयोग करते रहोगे तो वो जागृति बनी रहेगी, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए उपयोगिता ह्रास नियम हमेशा देखना, जो वस्तु है उसका उपयोग करो, अंततः धीरे धीरे करके वह वस्तु खत्म हो जाए। निर्मल जैन, अशोक नगर, गुरु नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि एक बार जो शिखर जी की वंदना कर लेता है वह नियम से भव्य माना जाता है, तो ये सही बात है क्या कि वो भव्य ही माना जाएगा? वो एक भावना है। हमारे यहाँ सही वंदना का प्रसवाल है, वंदना नहीं उत्तम वंदना, वंदना ही नहीं सम्यक वंदना। सम्यक वंदना का अर्थ होता है वंदना के लिए हमारा जो स्वरूप बताया गया है, भाव सहित, परिणामों की विशुद्धि सहित, वहाँ ये पर्पस है कि जो एक बार वंदना कर रहा है, इसका अर्थ नियम से वो सम्यक दृष्टि हो गई होगा, क्योंकि उन्हें सिद्धालय को स्वीकार कर लिया, सिद्ध अवस्था को स्वीकार कर लिया, सिद्ध स्वरूप को स्वीकार कर लिया, आस्तिक हो गया, आस्तिक होते ही सम्यक दृष्टि मान लिया जाएगा, तो सम्यक दृष्टि को फिर नरक और त्रयंज गति नहीं होती है। तो उसका पीछे, आगे पीछे और विचार करना पड़ेगा। वंदना करना मात्र अकेला नहीं, सम्यक वंदना। देखो भक्तांबर में एक बहुत अच्छी बात कही, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युवादा, वालम बनम भव जले पतताम जनाना। यहाँ ध्यान रखना, उन्होंने संसार सागर में पड़े हुए जीवों के लिए आप आलम्बन भूत हैं, लेकिन किनको, नमस्कार करने वाले को नहीं, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युवादा। अब सम्यक का अर्थ क्या होता है, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, नौकर्म शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि। यदि भगवान की भक्ति को तुमने सब आठ प्रकार की शुद्धियां हैं, और फिर भाव शुद्धि अलग है मोक्ष मार्ग के लिए, भगवान का सच्चा स्वरूप है इसलिए, कर्मों के क्षय के लिए, बहुत अच्छा शब्द भक्तामन, सम्यक प्रणम में जिन पाद युगम युगादा, जो समीक जिन रूप से नमस्कार करे, नमस्कार तो सभी करते हैं, नौकर भी नमस्कार करता है, पापी भी नमस्कार कर लेता है, डर से भी नमस्कार होता है, भय से भी नमस्कार होता है, लोभ से भी नमस्कार होता है, लेकिन सम्यक समीचीन रूप से नहीं, आप मेरे आराध्य हैं, मैं आराधक हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो जब ऐसे अंदर का आह्लाद भाव आता है तो सम्यक सम्यक जैन दर्शन, वो दर्शन नहीं सम्यक दर्शन, ज्ञान नहीं सम्यक ज्ञान, चारित नहीं सम्यक चारित, ये सम्यक क्षमा नहीं उत्तम क्षमा, मार्दव नहीं उत्तम मार्दव। तो ये जो विशेषण लगे हैं, सम्यक वंदना लगा दीजिए उसमें, सम्यक वंदना यदि तुमने की है तो नियम से जाकर के वह नरक त्रिंज गति नहीं जाए। दीपाली जैन, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आजकल देखने में आता है कि पापी लोगों के यहाँ धन संपदा बहुत होती है, सुविधाएं बहुत होती हैं, और धर्मी परेशान हो रहा है, तो धर्मी परेशान रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं कर्म का उदय उनके जीवन में आता रहता है, इस पर पापी जो रहता है वो घमंड करता है, देखो हम इतना कर रहे हैं तो भी हमारे कुछ नहीं हो रहा। तो महाराज जी, कर्म का न्याय अन्याय यहाँ पर देखने में, धर्मी यदि परेशान नहीं हो तो वो धर्मी नहीं,
धर्मी को परेशानी नहीं आए तो उसको परेशानी मोल लेना चाहिए। जितना जितना धर्मात्मा बन जाए उसकी निशानी क्या है, उतने उतने कष्ट चारों तरफ से आते जाए। जितना धर्मात्मा बनेगा, धर्मात्मा कष्टों को भुलाता है, क्योंकि कष्ट असाता कर्म के उदय से आते। तो धर्म का काम ही है कि जो असाता आदि कर्म बांधे उनको उदय में लाओ। आपके पास दो नोट है, एक नया नोट है और एक पुराना नोट है, आप बाजार में कौन सा चलाएंगे पहले? बस एक कर्मों की असाता भरी पड़ी है, परेशानी आएगी तो अंदर से ही आएगी। तो परेशानी भरी पड़ी अंदर असाता कर्म, तो धर्मात्मा कहता निकालो इस असाता कर्म को और साता कर्म का स्टोर करो। आप साधु को देख लीजिए, साधु चारों तरफ से असाता बुलाता है, चारों तरफ से। महावीर ने कहा यदि तुम्हें भगवान बनना है तो जितनी असाता अंदर भरी है उसको निकल जाने दो। पीप है, मवाद है, मवाद को निकल जाने दो। जितनी निकलती है, जितने पाप तुम कर सको, जितना तुम कष्ट सहन कर सको, उतने ही असाता कर्म निकलेगा। नहीं आ रहा है उपवास कर लो, नहीं आया है गर्मी में शिला के ऊपर बैठ जाओ, नहीं आ रहा है गर्मी में विहार कर दो। सब तरफ से उपसर्ग और परिचय, जो 22 परिचय बताए हैं, ये साता की उदीर्णा नहीं कराते, असाता की उदीर्णा कराते। असाता को निमंत्रण देना, उपवास करना, उपवास में भी नीरस कर दिया, रस छोड़ दिए, सामने रस देने वाला खड़ा है। क्यों रस क्यों छोड़ दिए? पाप कर्म खपाना है, कष्टों को बुलाना है। उपवास किया, रस दे दिया, गला सूखेगा? बोले इसीलिए तो उपवास किया, गला गीला करने के लिए उपवास नहीं किया। उपवास करते समय गला गीला होता है कि सूखा होता है? सूखा होता है। तो महाराज जी ये तो कष्ट हो गया, अरे इसी कष्ट के लिए तो उपवास किया जाता है। गला सूखेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो ये सब चीजें होंगी। तो जितनी धर्म की साधना है वो कष्टों को बुलाने के लिए ही है। और कष्ट असाता होगी तो कष्ट आएगा, नहीं होगी तो कितनी प्रयास करो, तुम्हें उपवास करने में रिद्धि प्रकट और हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर असाता बची नहीं। असाता बचेगी तो गला सूखेगा, चक्कर आएगा, गर्मी बढ़ेगी, और असाता नहीं बची होगी तो उपवास के दिन भी तुम्हारे शरीर में किंचित मात्र भी अंतर नहीं आएगा, बल्कि शक्ति और जागेगी। इसलिए धर्म को ऐसा मत मानो, धर्म कष्टों को रोकता नहीं है, कष्टों को सहन करना सिखाता है। रावण धर्मात्मा नहीं था, उसको कष्ट नहीं आए, ये आज की नीति नहीं है। और रामचंद्र जी धर्मात्मा थे, कष्टों में रहे, पूरी जिंदगी भर कष्ट ही तो उठाए, वो स्वयं कष्ट में रहे, और रावण को कोई कष्ट नहीं था। रावण यही मजाक उड़ाता था, यदि ये धर्मात्मा है तो कष्टों में क्यों, यदि ये भगवान है तो कष्टों में क्यों, यदि ये भगवान होते तो मैं इसकी स्त्री का अपहरण कैसे करता, यदि ये भगवान होते तो देश से निकाला कैसे होता, यदि ये भगवान होते तो लक्ष्मण को शक्ति क्यों लगती। रावण के यही प्रश्न थे। यदि ये धर्मात्मा हैं और धर्म के अवतार हैं तो इनका राज्य क्यों छीन लिया, वनवास क्यों आ गए, आज इनके पास कोई वैभव नहीं है, यही प्रश्न थे। तो रावण हमेशा यही प्रश्न उठाता है। और जो धर्मात्मा लोग होते उन्हें धर्मात्मा का यही लक्षण है कि वो कष्टों को खपा रहा है। रावण ने पुण्य गमा दिया और राम ने अशुभ कर्म गमा दिए, आज राम मंदिर में बैठे हैं, रावण दशहरा मैदान में जल रहा है। रावण ने अपना पूरा पुण्य गमाया, पाप नहीं गमाया, उसकी जिंदगी में असाता कभी आई नहीं, दुख कभी आया नहीं, कभी कोई परेशानी उठाई, सारा पुण्य गमा दिया। सारा पुण्य गमाने के बाद अब क्या बचा, अशुभ बचा, पाप कर्म बचा, नरकों में भोग रहा है। और हमारे रामचंद्र जी ने सारे अशुभ कर्म खपा दिए, पुण्य कमाया ही नहीं, जितने बुरे कर्म थे सब कमा दिए, कष्टों कष्टों में जीवन व्यतीत किया।
आज सारा अशुभ कर्म खत्म हो गया, आज अनंत सुख भोग रहे हैं और मंदिरों में बैठ के पूजा हो रही है। इसलिए दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख से मत घबराओ। एक भजन आता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, बस समता भाव तुम्हें रखना है, क्षमता नहीं रखोगे तो दुख और बढ़ जाएगा। दुख आया है तो ये भाव कहो, पुराना नोट चल गया, पानी में वैसे भीग गया था, चल गया, खुशी हो गई। अशुभ कर्म उदय आया, अच्छा हुआ निकल गया, अंदर भरा पता नहीं कब उदय में आता। तो ये तो सदा की नीति रही है, उपसर्व परिचय धर्मात्मा को ही आते हैं, आना ही चाहिए, अधर्मी को तो क्या आएगा। अधर्मी का कोई परिचय नहीं है, कोई नियम नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। आशिका जैन भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने कहा था कि किसी से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहिए, अब कोई हमसे स्वयं संबंध बिगाड़ ले क्योंकि हम उसकी बुरी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। संबंध छोड़ दो, संबंध बिगाड़ो मत, संबंध बनाओ मत, संबंध बिगाड़ो मत, ये नीति है। संबंध बनाओ मत, सबसे बढ़िया संबंध किसी से बनाओ ना। श्रेष्ठ सबसे अच्छा आदमी वो है जो किसी से संबंध बनाता नहीं। अभी प्रश्नों में चलना ना, स्वयंभू शक्ति जागृत करो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले जिंदगी निकाल दूंगा। ग्रस्त में गया, बोले भाई किसी की जरूरत पड़ेगी जो संसार में गृहस्थी में रह रहा है, शादी ब्याह कर ले। बोले नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं अकेला जिंदगी जी सकता हूँ। धीरे कर करके वो भगवान का सहारा छोड़ देता है, गुरु का सहारा छोड़ जाता है, आत्मा में लीन हो जाता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद वनवास में रहकर जंगल में रहकर आत्मध्यान कर सकता हूँ। तो वहाँ आर्य ध्यान हो जाएंगे? नहीं। आज प्रातःकाल मैंने क्या कहा था, जितने संबंध तुम्हारे हैं जिनके बल पर तुम जी रहे हो, खुशी बना रहे हो, जिन जिन चीजों पर तुम्हें खुशी बना रहे हो, वे किसी दिन छूट गए तो तुम्हारी क्या तैयारी है, क्या तैयारी है। आज तुम्हारे घर में सब कुछ है और सब कोई मर गए, तुम अकेले बचे, तुम्हारी क्या तैयारी है, क्या तैयारी है। मरोगे, सुसाइड करोगे, तुम भी रोगे, तुम पहले से तैयारी करके रखो कि कोई भी सब कोई भी चले जाए तो मैं अकेला मरूंगा नहीं, मैं खुद अपनी दम पर जिंदा रहूंगा, अपनी दम पर जिंदा रहूंगा। जी क्यों मरूंगा, क्या दूसरे के भरोसे जी रहा हूं? तुम जिंदा भी रह रहे हो तो दूसरों के भरोसे, और धर्मात्मा कहता है मैं जिंदा भी रहूंगा तो अपने भरोसे पर जिंदा। हमेशा ये ध्यान रखना, तुम घर से बाहर निकले हो, 1,00,000 रुपया जेब में रखे हो, 1,00,000 रुपया है, घूमने में आराम से हो जाएगा, तुरंत प्रश्न करना यदि ये चला गया तो तैयारी क्या है। आप 1,00,000 रुपया लेकर शिखर जी गए, शिमला गए घूमने, जेब में रखकर पूरा बढ़िया 1,00,000 में सब काम हो जाएगा, टैक्सी फैक्सी किराया भाड़ा सब। एक मिनट ये सोच लेना, यदि जेब कट गया तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी है, उस संबंध में सोचा। हर पॉइंट पर व्यक्ति को एक प्रश्न छोड़ना चाहिए, यदि ये नहीं हुआ तो तैयारी क्या है। बस जो ये सोच के चलता है उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अयोध्या का राज छिन जाएगा तो क्या तैयारी है, रामचंद्र जी कहते तैयारी है, गुरु ने यही तो कहा था दशरथ वशिष्ठ ने उनसे। लक्ष्मण ने कहा कि मुझे राजनीति सिखाओ, मैं राजगद्दी पर बैठना चाहता हूं, तो गुरु ने क्या कहा, लक्ष्मण यदि राजगद्दी नहीं मिली तो क्या तैयारी है, अयोध्या नहीं मिली तो क्या तैयारी है, घर से निकाल दिया गया तो क्या तैयारी है, कोई नौकर चाकर नहीं रहे तो क्या तैयारी है। रामचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव ये तो सोचे ही नहीं। बोले कल से यही पढ़ाई होगी, यही पढ़ाई होगी कि अयोध्या का राज्य नहीं मिलेगा तो क्या तैयारी करना, ये नौकर चाकर नहीं रहे तो क्या तैयारी करना,
भोजन पानी देने वाला नहीं रहा तो क्या तैयारी करोगे? तुम अकेले बचोगे तो फिर क्या तैयारी है? रामचंद्र जी को वही पढ़ाई कराई और अंत में रामचंद्र जी यही कहते हैं, गुरु ने कहा था आज ये तैयारी नहीं कराते, रोते फिरते आज तैयारी थी तो वनवास में भी वो अपने आप में किस तरीके से रहे थे। हर व्यक्ति तैयारी करके रखो, अपने पैरों को जमीन पर टिका के रखो, किसी का भरोसा नहीं, परिवार का नहीं, माँ बाप का नहीं, भाई बहन का नहीं, पति पत्नी का नहीं, गुरु का नहीं, भगवान का नहीं, नमोकार मंत्र का नहीं। क्या है यदि नमोकार मंत्र का भरोसा है, अंत के समय नमोकार मंत्र नहीं निकला मुंह से तो क्या तैयारी है? नहीं निकला, मुंह बंद हो गया, गला बंद हो गया, मन विक्षिप्त हो गया, क्या तैयारी है? आज तो अपना मन अच्छा है, शरीर स्वस्थ है, आप मंदिर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, गुरुओं के पास आ रहे हैं। कल के दिन ऐसी स्थिति आ गई कि तुम मंदिर में नहीं आ पाओगे, क्या तैयारी है? क्या तैयारी है मंदिर नहीं आ पाओगे? आज भगवान के भरोसे रोटी खा लेते हो, भगवान का दर्शन हो गया, पूजा हो गया, रोटी खा लो, बस हो गया काम। कल भगवान का दर्शन नहीं हो गया, क्या तैयारी है? क्या तैयारी की बोलिए? आज तुम्हारा नियम है भगवान का दर्शन करके, नियम करके भोजन करता हूं, गुरु को आहार देकर भोजन करता हूं, बहुत अच्छा। कल ये नहीं कर पाओगे, क्या तैयारी है? हो सकता है कि नहीं? जीवन भर भगवान के दर्शन का नियम लेने वाला कल दर्शन नहीं कर पाएगा, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तैयारी क्या है? क्या तैयारी है? सोचो, विचार करो, तैयारी क्या है? हर चीज पर, एक एक कदम पर, मैं जाकर के यात्रा पर जा रहा हूं और रास्ते में मरण हो गया तो क्या तैयारी है? मेंढक भगवान के दर्शन करने जा रहा है, सबने कहा रास्ते में मर गया तो? बोले मेरी तैयारी है। रास्ते में मर गए तो क्या तैयारी है तुम्हारी? सब में शिखर की यात्रा करने जा रहे हो, रात में सो रहे हो, यदि रात में मौत आ गई तो क्या तैयारी है? सो रहे हो ना, अब सुबह उठोगे तो भगवान का भी, यदि रात में चल बसे तो शाम को क्या तैयारी करके सोए? बोल रहा हो भाई, सोते सोते कोई लोग मर जाते हैं कि नहीं पहले बताओ भाई, मरते हैं कि नहीं? बहुत सारे मरते हैं। तैयारी क्या करके सोए? सुबह उठोगे, ये तो तैयारी है तुम्हारी। सुबह उठेंगे महाराज, हम नहाएंगे धोएंगे, चांदखेड़ी जाएंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, बिल्कुल सब, बिल्कुल इसमें कोई गड़बड़ नहीं। पर मैं तो उस पॉइंट पे हो गया, ये सब नहीं हुआ, सुबह नहीं उठे तो क्या तैयारी है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी व्यक्ति, रात में यदि मैं सुबह नहीं उठ पाया तो शाम को तैयारी करके सोता है कि नहीं उठा तो भी मेरी तैयारी है ऊपर जाने की, मैं सब कुछ त्याग करके सोया। क्यों त्याग कराया जाता है शाम को? कि जब तक मेरी निद्रा में हूं तब तक मैं सब कुछ त्याग करता हूं। तैयारी कर ली उसने, सुबह भगवान के दर्शन करने लायक में नहीं उठ पाया तो तैयारी है। यात्रा पर जा रहा है, गाड़ी में बैठ चुका है, क्या तैयारी है? रास्ते में मर गए तो? बैठते हुए कहता मेरा सब कुछ त्याग है, मेरी कुछ नहीं, रास्ते में मर जाऊंगा, मेरी तैयारी है। कल का भोजन खाने नहीं मिला तो? बोले क्या फर्क पड़ता है, आज ही मैंने त्याग कर दिया कि अब मेरा भोजन का त्याग है, कल तक का है, कल खाऊंगा ये नहीं, कल तक का है, तैयारी है। साधु कभी भी मर जाए, मूर्छा से रहित होता है, संलेखना भली नहीं हो लेकिन उसका मरण बिगड़ता नहीं है। बस हर चीज में तैयारी क्या है, एक एक कदम पर तैयारी करके, जो जो तुम निर्णय कर चुके हो उसकी बात नहीं कह रहा हूं, उस निर्णय में चूक गए तो तैयारी क्या है? यदि आज सुबह का प्रश्न यदि अपनी जिंदगी में उतार लिया तो तुम्हारी स्वयंभू शक्ति जाग जाएगी, तुम कहीं भी धोखा नहीं खाओगे। कोई पूछेगा देखा ये हो गया, हमारी पहले से तैयारी थी, पहले से हमारी तैयारी थी। रामचंद्र जी ने कहा वनवास हो गया, बोले मेरे गुरु ने पहले ही तैयारी करा दी थी, उन्होंने पहले ही सिखा दिया था कि मटके बनाने ना, उन्होंने पहले ही तैयार किया था कि पत्थर बनाना सीख जाना, उन्होंने पहले ही बताया था जंगल में लकड़ी कंडे बीनना सीख जाना,
वशिष्ठ ने रामचंद्र जी के लिए वनवास की तैयारी उस समय करा दी जिस समय वनवास की कल्पना भी नहीं थी, कल्पना भी नहीं थी कि वनवास होगा, सवाल ही नहीं उठता, उस समय तैयारी करा दी। यदि ऐसा हो गया तो रामचंद्र जी तैयार हो। मेरे आराध्य गुरु को मेरे परिवार की ओर से त्रिबाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा से पहले मेरे साथ जो अतिशय घटित हुआ उसके बारे में आपको तो सबको बताना चाहता हूँ। बिजोलिया शिविर के बाद में एक अतिशय ग्रसित हुआ महाराज जी मेरे साथ में, अतिशय ट्रेन में मेरा बीमार था हो गया, मैं शिविर से वापस आया था फर्स्ट क्लास में, अकेला मैं जा रहा था बम्बई, तो मैंने खाना खाया, खाने खाने के बाद में उल्टी और दस्त दोनों हो गए और 10-20 एक साथ हो गए और मैं ऐसा लग रहा लगा कि मैं जाए पदम दूर जाने वाला। आज मैंने भगवान से ये प्रार्थना की, हे भगवान मैं तो जाऊँ नहीं जाऊँ लेकिन मेरे शिविर बदनाम हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा मेरे ऐसा कर दिया। और इतना बोलते इतना विचार आते ही मैं एकदम ठीक हो गया महाराज जी। तो ऐसा अतिशय मेरे साथ घटित हुआ तो साहब महाराज जी, ये तो ये बताना चाहता था। और दूसरा मेरा प्रश्न है, औदयिक भाव, औपसिक भाव, क्षायक भाव और क्षायोपस्मायिक और प्रमाणिक भाव, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है महाराज जी? भाव में भावों का, ये जो औद्वैविक भाव जो होते हैं, औद्विक भाव, प्रमाणिक भाव, औपसमिक भाव, क्षायक भाव, औद्विक भाव, हाँ क्या है? अच्छा, पहली बार तो जो आपने अतिशयों की चर्चा की, यदि इन सब चीजों में कुछ नहीं होता तो सप्त महावृति समंत्र भद्र जैसे स्वयंभु भगवान की स्तुति नहीं करते। इन सब में सत्य नहीं होता हमारे लिए, सत्य की कसौटी कुंदकुंद स्वामी है। आज हमारे लिए वही सर्वज्ञ है, उनका अनुकरण करते। यदि इन सब में कुछ नहीं होता तो समंत्र भद्र महाराज जी, समकुंदकुंद स्वामी 10 भक्तियां नहीं लिखते। और क्या भक्तियों में वर्णन लिखा है? प्रत्येक ग्रंथ के पहले मंगलाचरण नहीं करते, मंगलाचरण करते थक नहीं रहे हैं। प्रवचन सार में तो गजब कर दिया पूज्यवर ने, गजब कर दिया। हर ग्रंथ में एक बार मंगलाचरण करके कह दिया कि बस बंदे तो सब सिद्धे ध्रुव ममल मनोबम गदम पत्यम वो छामी समय पाहड़ मुणमो सुध केवली भणियम, ये कह के ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बार कह दिया। औपचारिकता होती है, एक शिष्टाचार होता है, भाई कोई कार्य करके मंगलाचरण करो। लेकिन शिष्टाचार करने वाला तो दस्तूर करता है दस्तूर, लेकिन पूज्यवर कुंदकुंद भगवान प्रवचन सार के में 5 बार 5 गाथाएं लिखते हैं। कहते नहीं मैंने 24 भगवानों को नमस्कार कर लिया, 24 भगवान नहीं, अब एक को अलग अलग और करूंगा। अरे मैंने कही भगवान क्या माया, आप गजब, 24 भगवान को नमस्कार हो गया था इकट्ठा, 2400 भगवानों की बोलो ना जय जय। वो कहते मजा नहीं आया, अब बोलो ऋषभ नाथ की, अजित नाथ की, संभव नाथ की, अभिनंदन नाथ की, सुमत नाथ की, पदम प्रभु की, सुपार्श नाथ की, चंद प्रभु की, पशुदंत महाराज की, शीतलनाथ भगवान की, श्रियांश नाथ भगवान की, बांसपुर भगवान की, कमलनाथ भगवान की, अनंतनाथ भगवान की, धर्मनाथ भगवान की, शांतनाथ भगवान की, कुंतनाथ भगवान की, अरयनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, कुंडलनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान की, हर्षनाथ भगवान की, बोलो महावीर स्वामी की जय जय जय। दासागर जी महाराज की जय। मुझे तो उस दिन से जिस दिन से मंगलाचरण पड़ा है ऐसा भाव आता है कि भगवान करते ही रहूं। कुंदकुंद भगवान अध्यात्म के वेत्ता, जहां वे खुद स्वयं मंगल रूप है, जहाँ वे स्वयं मंगल रूप हैं, उनका रत्नत्र मंगल रूप है, सारा जगत जिनको देखकर मंगल कर रहा है, वे भगवान की कहते नहीं भगवान अभी मजा नहीं आया, मैं एक एक की अलग अलग करूँगा, एक एक की अलग अलग करूँगा। वेदी पे जितने भगवान बैठे हैं एक बार धोगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, वेदी पे जितने भगवान हैं उतने नमोस्तु करूँगा। नियम से महानुभाव भगवान स्वामी महारु स्वामी को अभी 500 साल ही हुए थे, उस समय इतना महत्व, इतनी गरिमा,
हिंदू एक एक चीज में अतिशय चमत्कार भरा है, श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है, शक्ति तो सब में भरी पड़ी है, कमी यदि कभी रह जाए तो धर्म की शक्ति की कमी नहीं है, हमारी भक्ति की कमी। सही बात है महाराज, बाकी हैं शक्तियां, सब जितना जो कुछ लिखा है अक्षर था सद भक्तांबर पार, देखो क्या है थी? क्या दावा ठोक रहे हैं मानतुंग आचार्य, दावा ठोक रहे हैं उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना तत्पाद पंकज जो बताया था मैंने, हर चीज में ही करें, कहीं हमसे चूक हो रही है। सत्य महावृत्ति कभी झूठ लिख ही नहीं सकता, हर चीज में है मान भाव, आज भी अतिशय है, हमारी श्रद्धा हमारी भक्ति में खोट आ गई है, वस्तु तो आज भी वही है, आज भी वही चमत्कार है, आज भी वही जो शास्त्रों में लिखा पड़ा है, बस हम क्या कर रहे हैं, धर्म को सैंपल में कर रहे हैं, गंदोदक से कोड़ दूर हो जाते, बड़ा ठीक है आप कहते हो तो लगा लेता हूं, आप कहते हो तो सैंपल, 90% लोग धर्म को सैंपल बना लिया है, आप लोग सब अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, हर चीज सैंपल के लिए कर रहे हो, अंदर चेतना से नहीं कर रहे, अभी आत्मा की पर्याय नहीं बना है धर्म, आत्मा की पर्याय नहीं बना है भगवान का दर्शन, दर्शन सैंपल में कर रहे हो, पूजा सैंपल में कर रहे हो, उपवास सैंपल में कर रहे हो, प्रवचन सैंपल में सुन रहे हो, स्वाध्याय सैंपल में कर रहे हो, जो कुछ भी धर्म हो रहा है सैंपल में हो रहा है, स्वभावभूत नहीं हो रहा है, सब लोग अपनी अपनी गिरेबान देख लो, देख लो, अंदर की पर्याय बन जाती है, सैंपल नहीं, सत्य यही है, और जब सत्य यही है हो जाता है तो फिर अतिशय हुए बिना रहता है। अब रही बात पांच भावों की, स्वयतत्व मोदय पारनाम कौचा, सौषम भाव ये कर्म सापेक्ष, एक आत्मा है परिणाम एक ही होता है, लेकिन कभी कभी आत्मा वही परिणाम वही कसाय, क्रोध को लेकर थे तो क्रोध हो जाता है, मान को लेकर तो मान हो जाता है, माया को लेकर परिणाम एक ही है आत्मा का। इसी प्रकार जब दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के उपशम होने पर आत्मा का जो परिणाम होता है उसे उपशम भाव कहते हैं। जब कर्मों के उदय में मुख्य रूप से दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के उदय से जो भाव होते हैं वो औदयिक भाव कहलाते हैं, औदयिक भाव अन्य कर्मों के उदय से भी होते हैं, 21 भाव होते हैं, असद्धत तो 14वें गुण स्थान तक जाता है, चौषम भाव वो कहलाता है कर्मों का मंद उदय, एक देश घाती प्रकृति का जो कार्य में बाधा डालने वाले हैं उन कर्मों को तो दबा देता है, और जिनके उदय से बाधा तो नहीं आती लेकिन पूर्ण शुद्धि भी नहीं आती उनको क्षयोपशम भाव बोलते हैं, कर्मों का पूरा क्षय कर देना, अब कोई कर्म मेरे बीच में बाधा नहीं आएगा, तो उन्हें क्षायक भाव कहते हैं। इनके सबके सब तत्वार सूत्र के दूसरे अधिकार में औदयिक भाव के भेद कहे गए, 21 भेद कहे गए, क्षयोपशम भाव के 18 भेद कहे गए, उपशम भाव के 2 भेद कहे गए, छायक भाव के 9 भेद कहे गए, पारनामिक भाव के 3 भेद कहे गए, इस प्रकार से ये भावों का चित्रण विशेष रूप से पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने सबसे पहले इन भावों की चर्चा किसी आचार्य ने की है तो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज, आचार्य तो है लेकिन ये 5 भावों को अलग से विवक्षित करके उमा स्वामी ने सबसे पहले चर्चा की है तत्वार सूत्र। कर्ता करे न कर सके गुरु करे सब होए, सात द्वीप छह खंड में गुरु से बड़ा न कोई, ऐसे मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, माना कि आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है, और इस समय आप पुरुषार्थ और भाग्य पे, या ऐसा हमारे पास नहीं हुआ तो फिर आगे की हमारे पास क्या तैयारी है, ऐसा प्रवचन, या अभी आपने जिज्ञासा समाधान में बताया कि धर्मात्मा के जीवन में जैसे भी है वो पुराने कर्मों को उदय में लाता है और अशुभ कर्मों की निर्जरा करता है, लेकिन क्या साधु जीवन में यदि हम ऐसा माने
कि पुरुषार्थ को मुख्य और भाग्य को गौण करते हैं और गृहस्थ जीवन में भाग्य मुख्य और पुरुषार्थ गौण होता है। क्या ऐसा चिंतन हम कर सकते हैं कि धर्मात्मा जीव तो लाता ही अशुभ कर्मों को उदय में? देखो दो चीजें, दोनों के दोनों, गृहस्थी में भी पुरुषार्थ की मुख्यता ही होना चाहिए, क्योंकि भाग्य हमारे ज्ञान से परे है। अतीत हमारी किस्मत में क्या लिखा है हमें पता नहीं। जिनको पता था भी उन्होंने भाग्य की चिंता नहीं की, हमें तो मालूम नहीं। भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। पूरा पुरुषार्थ करने के बाद जब कार्य की सिद्धि नहीं हो तब भाग का नाम लेना चाहिए। यदि शुरू में ही भाग आ जाएगा तो भाग्य तो हमारी अंधेरी कोठरी में बंद है, क्योंकि भाग्य हमें मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। जिनको मालूम था कि हमारा भाग क्या है उन्होंने ही भाग्य नहीं देखा। ऋषभदेव तीर्थंकर अवधज्ञानी थे, उनको मालूम था कि मेरे भाग्य में 6 महीने तक आहार नहीं लिखा है, मालूम कर सकते थे वो, लेकिन उन्हें मालूम नहीं किया प्रतिदिन आहार को उठे। वो अवधज्ञान लगा लेते, अवधज्ञान था, और अवधज्ञान से जान लेते कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, मुझे 6 महीने तक आहार मिलना ही नहीं है, और घर ही क्यों छोड़ा था। अवधज्ञान तो लगा लेते कि मुझे कितने प्रयास करूँ मेरे कर्मों का क्षय 1000 वर्ष के पहले हो गई नहीं। स्वधर्म से कह रहे थे क्यों तू परेशान कर रहा है, नाटक कर रहा है, मुझे बैराग्य दिला, मेरा दुश्मन है क्या, मेरे भाग्य में अभी 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान है ही नहीं क्रमबद्ध पर्याय में, अभी से जाके मैं जंगलों में क्या खाक छानूं, क्यों जाऊं हिमालय के पर्वत पर, केवल ज्ञान तो मुझे 1000 वर्ष होना। तो जिनके पास अपने भाग्य को बांचने की ताकत थी उन्होंने ही भाग्य नहीं बांचा। उन्होंने भी कहा जब जागो तभी सवेरा, तब जागो, तुरंत निकल गए नहीं, अवध ज्ञान लगाते कि अभी से दीक्षा लेके क्या करूंगा, अपन को तो मालूम नहीं। ऐसे सभी लोगों के जीवन में जिनको मालूम था, साक्षात तीर्थंकर बैठे रहे, और उस समय मुनि दीक्षा लेते हैं लोग। आज लोग कहते महाराज जी आप लोगों ने मुनि दीक्षा ले ली मोक्ष होना है क्या, मैंने कहा नहीं होना, तो फिर क्यों ले ली, मैंने कहा चौथे काल में भी थे। चौथे काल में कितने मुनिराज हैं जो भगवान से पूछ सकते थे कि महाराज मेरे भाग्य में इस बार केवल ज्ञान है कि नहीं, केवल ज्ञान हो तो मुनि दीक्षा लूं, नहीं तो काय को भी फालतू सब छोड़ छाड़ के बाबू जी बने, जब किस्मत में है ही नहीं मेरी कि मुझे मोक्ष नहीं होगा। तो चौथे काल में भगवान के समोषण में उन्हीं लोगों को दीक्षा लेना चाहिए जिनका उस भाव में मोक्ष, उनको तो लेने नहीं चाहिए जिनका मोक्ष, क्यों भगवान से पूछ ले ना, भगवान मुनि दीक्षा लूं या नहीं, मोक्ष होगा कि नहीं, वो कहते नहीं होगा तो फिर काय को दीक्षा लूं, क्या करूंगा। पांडव आदि नकुल सहदेव पूछ सकते थे कि मैं मोक्ष मिलेगा कि नहीं, नहीं तो काय को फिर बेड़ियां पहनूं लोहे की। तो बड़े बड़े महान आत्माएं, भाग्य बांचने वाला सामने बैठा था, भाग्य बांचने वाला सामने बैठा था तीर्थंकर, तो भी उन्होंने भाग्य नहीं बचवाया, पुरुषार्थ करने के लिए उतर पड़े। स्वयं भाग्य बांचने की शक्ति थी तो भी भाग्य भरोसे नहीं रहे, पुरुषार्थ करने चल पड़े। इसलिए गृहस्थों को भी, चाहे मुनि महाराज हों चाहे गृहस्थ हों, हमेशा पुरुषार्थ की प्रधानता रखना चाहिए, दीपायन मुनि के समान होना चाहिए। ठीक है द्वारका मेरे द्वारा जलेगी तो जलेगी, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान ने बांच दिया कि दीपायन तेरे द्वारा द्वारका जलेगी, बांच दिया, किस्मत बांच दी। दीपायन कहता है भली किस्मत बच गई, मैं क्या माचिस की काड़ी लेके बैठ जाऊं, नहीं मैं पुरुषार्थ करूंगा बचने का। पुरुषार्थ किया, 12 साल तक पुरुषार्थ किया, लेकिन होने को नहीं टाल सका। ठीक है वो होना था, भाग्य था, लेकिन भाग्य भरोसे वो बैठा नहीं, पुरुषार्थ किया। ठीक है वो पुरुषार्थ भी उसी में आकर अनुकूल बना। आग लगने पर भुजाना जरूर चाहिए, चाहे भली पानी घास लेट तेल बन जाए, आग बुझे या ना बुझे, पानी डालने से सब लोग कहते हैं देखो पानी डालो घास, बोले घास तेल भली बने, लेकिन मैं तो पानी उठा के तो
फेंकूंगा। दवाई खाने से मरो तो मर जाओ, लेकिन दवाई खाने का भाव तो करना ही चाहिए यदि आप खाते हैं तो पुरुषार्थ को सदा महत्व दो। पुरुषार्थ में इतनी ताकत है कि किस्मत की रकीलें बदल देता है, हाथ की रकीलें बदल जाती हैं, कर्मों की उदीर्णा क्या कहलाती है, संक्रमण क्या कहलाता है। उज्ज्वल नेमी चंद महाराज ने क्या चिट्ठा खोला है पुरुषार्थ का, क्या गजब का। उन्होंने कहा भाग्य में लिखा है कि तुमने 30 कोड़ा कोड़ी की असाता का बंद किया है। भाग्य में लिखा है 30 कोड़ा कोड़ी तक तुम असाता बंद करोगे, असाता आएगी तुमने 30 कोड़ा कोड़ी। और देखो तुरंत उसने पुरुषार्थ किया, सारी 30 कोड़ा कोड़ी की असाता साता में परिणत कर दी। ये भाग्य नहीं था, पुरुषार्थ। 30 कोड़ा कोड़ी की असाता साता में परिणत हो गई। पुरुषार्थ देखिए, किस्मत में लिखा था 7 में नरक जाएगा राजा शरणक, समोषण पर जाने का पुरुषार्थ किया, 33 सागर की आयु घटा करके 84,000 वर्ष कर ली। किस्मत बदल ली कि नहीं? किस्मत में क्या लिखा गया था कि 33 सागर की नरक में जाएगा, और पुरुषार्थ ने क्या किया, 84,000 वर्ष दिए। तो पुरुषार्थ सदा विजयशील रहा है, पुरुषार्थ के लिए हमेशा महत्व देना चाहिए। ये बात अलग है कि पुरुषार्थ सभी के सफल हों, ऐसा नहीं विफल होने के बाद कहना चाहिए किस्मत में ऐसा ही लिखा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु। करवार वाले और तैयार रहेंगे सीमा जी जैन जयपुर। निजापक मुनि पुंग सुधा सागर महाराज जी के चरणों में करवार जैन समाज का सविनय कोटि नमन व इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि संसार भावना का वर्णन पढ़ते हम, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावस्थन वहान, कबू न सुख संसार में सब देखियो छान। और लोक भावना का पढ़ते हैं, 14 राजू उतंग नब लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। तो दोनों में क्या अंतर है, मतलब वो भी संसार में परिभ्रमण करता है और ही संसार में जन्म मर के दुख उठाता, तो संसार भावना और लोक भावना में क्या अंतर है? नमोस्तु महाराज जी। का अर्थ होता है एक सृष्टि का स्वरूप का वर्णन किया। 14 राजू तंगलग लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भ्रमत है बिन ज्ञान। तो ये क्षेत्र की अपेक्षा से कथन किया गया, ये क्षेत्र कहलाता है। कितने क्षेत्र में घूमता है जीव, कितने क्षेत्र में तुम्हारा व्यापार है, कितने क्षेत्र में तुमने विहार किया, कितने क्षेत्र में चतुर्मास कर रहे हो, तो ये कहलाता है क्षेत्र की अपेक्षा। तो लोक भावना के लिए क्षेत्र बताया गया कि भ्रमण तो व्यक्ति करता है लेकिन कहाँ करता है, तो ये लोक भावना। और संसार भावना में भावों का मुख्यता है, चतुर्गति की मुख्यता है। संसार में क्या होता है वो है संसार भावना, और संसार कहाँ होता है ये है लोक भावना। जैसे किसी ने कहा भाई फलाने यहाँ ये कार्य होते हैं, लेकिन वो स्थान है कहाँ, है कहाँ वो, तो वो स्थान लोक भावना में स्थान बताया गया है, और संसार भावना में परिणत होने वाले संसार की चतुर्गति का स्वरूप बताया गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा,